मैंने कि आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट विथ प्राइम टैली। जी हाँ दोस्तों, टैली प्राइम या टैली प्राइम, दिस इज अ न्यूएस्ट एंड लेटेस्ट वर्जन एंड दिस इज इंटरेस्टिंग वर्जन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अकाउंट विथ इन्वेंट्री। इससे पहले तो जो भी थी वीडियोस वो अकाउंटिंग पे थी। हमारे टैली के तीन फीचर्स होते हैं, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री एंड देन टैक्सेशन। तो अकाउंटिंग फीचर्स के जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स वगैरह थे उन सबको मैंने क्लियर किया है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी डिस्प्ले मोड पे जाकर के, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो वगैरह एंड अकाउंट्स बुक में जो स्टेटमेंट्स वगैरह होती है अकाउंट्स की, वो सब आउटस्टैंडिंग, स्टैटिक्स वगैरह, अकाउंट बुक की जो पूरी होती है कैश बुक, कैश बैंक, लेजर, ग्रुप समरी, वाउचर, ये रजिस्टर्स वगैरह, इन सब रजिस्टर में मैं आपको एंट्री करना बताऊंगी। कंट्रा में कौन सी चीज की एंट्री कैसे की जाती है, पेमेंट में किसकी एंट्री कब की जाती है और कैसे की जाती है, रिसिप्ट रजिस्टर की एंट्री, ये सब हमारे इन्वेंट्री में आते हैं। ये रजिस्टर्स जो भी हैं, सारे रजिस्टर्स की एंट्री हमारे इन्वेंट्री में आती है। आइए हम जाने वाउचर क्लासिफिकेशन। वाउचर क्लासिफिकेशन में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड फॉक्सर ट्रांजैक्शन, ये जब एंट्री होगी तो उस टाइम ये शो करता है। अभी हम आएंगे इन्वेंट्री बुक में। इससे पहले हम अकाउंटिंग बुक्स की सारी वीडियोस क्रिएट कर रहे थे, अब हमारी बारी है इन्वेंट्री बुक की। तो हम इसे माउस से प्रेस कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से F3 F2 प्रेस करके भी हम इन्वेंट्री के सिस्टम पे जा सकते हैं। तो इन्वेंट्री बुक में हमारा आता है स्टॉक आइटम। जो भी हमारे पास स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, लैपटॉप की कौन सी कंपनी की है, कितने पीसेस में खरीदते हैं, कौन से लोकेशन से हमने इसे ट्रैक किया है, वो सारी इन्वेंट्री बुक्स में होती है। तो स्टॉक आइटम में हम स्टॉक आइटम के नेम क्रिएट कर सकते हैं, लोकेशंस डाल सकते हैं, स्टॉक ग्रुप की समरी तैयार कर सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी की समरी तैयार कर सकते हैं, और जो भी हमने स्टॉक ट्रांसफर किए जर्नल रजिस्टर से वो सब हम इन्वेंट्री में उसकी एंट्री डाल सकते हैं। और जो फिजिकल स्टॉक होगा उसकी भी रजिस्टर हम यहाँ पे इन्वेंट्री बुक में कर सकते हैं। हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, वो हम स्टॉक आइटम में जाके देख सकते हैं। जैसे पिछली एंट्री में हमने कुछ नाम यहाँ पे लिखे थे, अनामिका स्टोर्स, परचेज रिटर्न एंड परचेज की। तो जो भी क्रिएट करना होगा हमें आइटम, हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक की आइटम। जैसे कि माउस इंटरप्रेस करेंगे और ये हमारा आ जाएगा प्राइमरी में। और अगर इसकी यूनिट, हमें कितनी यूनिट चाहिए, तो हम यहाँ पे यूनिट अप्लीकेबल करना चाहते हैं तो हम अप्लीकेबल कर लें और यहाँ से क्रिएट कर लें यूनिट। हम माउस खरीद रहे हैं बट कितनी खरीद रहे हैं ये हमें नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे क्रिएट कर ले रहे हैं इसकी यूनिट, क्रिएट करने के लिए हमारे सामने जैसे ही हमने क्लिक किया यूनिट के बॉक्स पे तो ये नया विंडोज ओपन हुआ। तो हम टाइप, जो भी माउस का जो टाइप है वो सिंपल है, अगर कोई है अलग टाइप की तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और सिंबल जो है यूनिट की वो डाल दीजिए, जैसे हमने यहाँ डाला 15। फॉर्मल नेम जो होगा वो डाल दीजिए एंड देन यूनिट क्वांटिटी कोड एंड देन हम इसे इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 है तो यहाँ हम 2 डालेंगे, देन इंटरप्रेस एंड देन एक्सेप्ट। Complete those are passed to you.
मैं यहाँ पे डाला सिंपल सिंबल वगैरह जो हमारे फॉर्मल नेम है माउस, और यूनिट क्वांटिटी में देख रहे हैं यहाँ पे बैग बैग्स बॉल बॉल बीडीएल बंडल्स बिकेल्स बिकेल बकलेस ये सब कुछ न्यू यू कोड जो आते हैं वो है। तो यहाँ से हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, और जो हमारा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा वो हम यहाँ डालेंगे, देन इंटरप्रेट करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा एरर बता रहा है ये हम वो यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे यूनिट वाले ऑप्शन, वो एक्सेप्टेड होंगे। एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, इसी तरह वगैरह होगा या मेन लोकेशंस में, तो प्राइमरी में आते हैं कोई अलग लोकेशन से तो हम यहाँ से क्रिएट डाल सकते हैं। इसके आगे आएंगे जो भी समरी क्रिएट करनी होगी कीबोर्ड की वगैरह, तो आपके कंपनी में स्टॉक अवेलेबल कैटेगरी हम भी कर सकते हैं। स्केप की से बाहर आएंगे, अब आते हैं स्टेट, यहां से हम स्टॉक एनालाइजिस स्टॉक ग्रुप एनालाइज एंड स्टॉक आइटम और एनालाइजर एनालाइज जो भी मूवमेंट वगैरह करने होंगे, यहाँ से जनरल यहाँ से क्रिएट जो लेजर की एनालाइजिंग है वो हम यहाँ से देख सकते। बाहर आने के लिए एस्केप की बटन प्रेस करेंगे, ग्रुप एनालाइजिंग देख सकते हैं, बैंक अकाउंट बैंक ओसीसी बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रांच का जो डिवीजन वगैरह होता है, कैश कैश इन हैंड सन्डी डेटर्स सिंडिकेटर्स और भी जो कुछ क्रिएट करने होंगे हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, देन हम इसे एस्केप की से बाहर आते हैं अगेन एनालाइजिस। कौन से आइटम पे जो हम लेजर क्रिएट करेंगे और कौन से आइटम पे कितने रिपोर्ट्स जीएसटी के जो रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं वो हम यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे GSTR1 GSTR2 GSTR3 भी इवेबल जो भी आता है वो हम इसे यहाँ से रिपोर्ट्स में आके इंक्लूड कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलान रिकन्सिलेशन GST एनुअल कंपटीशन जीएसटी रेट सेटअप करना, यहाँ से हम जीएसटी का जो भी रेट वगैरह होगा वो फोर जो भी स्टॉक होगा कितने स्टॉक पे कितने सारे रेट्स सेलेक्ट करने हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अपडेट प्राइवेट जीएसटी यूएएन नंबर जो होते हैं वो कर सकते हैं, और अब यहाँ से हम आएंगे एक्सप्रेशन रिपोर्ट पे, यहाँ से हम लेजर विदाउट ईमेल आईडीज विदाउट लेजर ईमेल आईडीज हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शनल वाउचर का यूज कर सकते हैं, एंड देन कैंसलेट वाउचर जो भी कैंसिल हमने किया है जो डिलीट वगैरह कर देते हैं वाउचर वो हम यहां से यूज कर सकते हैं। पोस्ट डेटेड वाउचर जो हमने जो भी वाउचर वगैरह है उसको हमने डेट वाइज डेट पोस्ट किया है कब किसको किस टाइम वो हम पोस्ट डेटेड वाउचर में जाकर के देख सकते हैं। निगेटिव लेजर जो हमारे निगेटिव लेजर्स होंगे वो हम निगेटिव लेजर्स में आके देखेंगे, और जो हमारे निगेटिव स्टॉक्स होंगे उसे हम निगेटिव स्टॉक्स में आके देखेंगे, एंड ओवरड्यू रिसीवेबल एंड ओवरड्यू पेबल जो किसी बिजनेसमैन जो सबसे ज्यादा रिसीव कर लेता है पेमेंट या फिर सबसे ज्यादा पे करता है वो ओवरड्यू हम यहां से देख सकते हैं, देन क्विक पे हम बाहर आएंगे।
अब एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, किसी भी चीज की वेरिफिकेशन करनी हो, चाहे वो डाटा एनालिसिस की हो, भाउचर वेरिफिकेशन हो, हम यहाँ से कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस, एनालिटिकल प्रोड्यूसर, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पेंडिंग में चले जाते हैं और जो हमें नहीं मिल पाते हैं, वो हम वेरिफिकेशन में आकर के उसे वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। पीरियोडिक पेमेंट एंड रिसीप्ट, जो पेमेंट किए हैं, जो रिसीप्ट किए हैं और हमें उसकी फाइल वगैरह नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ से वेरिफिकेशन फाइल में आके चेक कर सकते हैं। रिलेटिव साइज फैक्टर और इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, जो भी बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन वगैरह हुए होते हैं, वो भी यहाँ से देख सकते हैं। कैश विड्रो, डिपॉजिट टू बैंक, फिक्स एसेट एनालिसिस, ट्रांजेक्शन ऑन हॉलीडे, जो भी ट्रांजेक्शन हमारे छुट्टी के दिन में हुए हुए रहते हैं, वो भी हम अगर टेलीप्राइम पे उसकी इंट्री कर दिए होते हैं, तो हॉलीडेज की भी जो ट्रांजेक्शन होती है, वो भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। हाईलाइट एंड लोएस्ट वैल्यू ट्रांजेक्शन वगैरह, पेंडिंग ट्रांजेक्शन जो भी होंगे, और स्प्लिट चेक्स इंस्ट्रूमेंट, वो हम यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। देन हम एस्केप की से बाहर जाएंगे और वाउचर वेरिफिकेशन में आएंगे। यहाँ से जो भी वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स की होगी, जो सैंपल होंगे वाउचर के, जो भी पार्टी से रिलेटेड होंगे, वो सारे पे टोटल सैंपल वेरीफाइड पेंडिंग जो होंगे, वो क्लासिफाइड जो किए होंगे, वो सारे यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। थैंक यू।